स्टेट में ऐसा लग रहा है इन लोगों ने इंटरनेट बंद कर रखा है, चाहे लोकल सिम हो चाहे वो बाहर की सिम हो। दोपहर के कुछ 1:30 बज रहे हैं और अगर करंट लोकेशन में आपको दिखाऊं, ये देखिए कामाख्या रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 का आप देखिएगा यहाँ पर। अब अगर आप सोच रहे हो मैं कहाँ हूँ, मैंने यहाँ पर वन नाइट स्टे किया रिटायरिंग रूम, तो मैंने सोचा चलिए इस वाले व्लॉग की आज कुछ अलग शुरुआत कर रहे हैं। हम ट्रैवल करने वाले हैं 15658 ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में और हमने यहाँ वन नाइट स्टे किया। तो अगर आप बाई चांस कामाख्या मंदिर दर्शन करने आ रहे हो, आसाम घूमने आ रहे हो, तो एक ऑप्शन मैंने कहा बाई चांस अगर आप स्टेशन पर रहना चाहें, बिकॉज इतना ज़बरदस्त हमको रूम दिया गया विद इन लिमिटेड बजट, तो आपको इंटीरियर वगैरह वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और देखो रूम से विंडो से आपको क्या वो जो आप नज़ारे देख रहे हो उस तरफ पूरा माउंटेंस, वो है नीलांचल पहाड़ आप कह लीजिएगा। देखो नीलांचल कितना ज़बरदस्त, देखो आपको यहाँ से व्यू दिखाऊं, यहाँ पर ये डॉमेट्री का पूरा ऑप्शन है। इस तरफ आप देखो ये सब डॉमेट्री के रूम हैं और इस वाले रूम में हम रहे। पूरा मैं आपको भी इंटीरियर वगैरह दिखाऊंगा, बट देखिए मतलब इंडियन रेलवेज के स्टेशन पर जब आपको इतने अच्छे रूम मिल रहे हैं ना, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। और मौसम बिकॉज इतना अच्छा है तो आज एक और आपके लिए धमाकेदार व्लॉग। और प्लीज़ जब भी स्टेशन पर स्टे करने वाले हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, साफ़ सफाई बनाए रखो यार, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा फर्स्ट फ्लोर पे आपको बता दूँ डॉमेट्री है, इन केस अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो 200-250 रुपये में आप वहाँ पर एक अपना डॉमेट्री रूम ले सकते हो। सेकंड फ्लोर पर आपको ये वाले रूम्स मिलेंगे, पर एक बात का ध्यान रखें आपको यहाँ पर चढ़ के आना पड़ेगा इन केस अगर आपके पास सूटकेस है, बिकॉज यहाँ पर कोई लिफ्ट वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले आपके लिए पूरा इंटीरियर टूर मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो फर्स्ट क्लास यहाँ पर डबल बेड, भाई कलर वगैरह अगर आप देखो मेरे हिसाब से इन्होंने जो मेंटेन कर रखा है ना, एकदम फर्स्ट क्लास। फिलहाल मैंने पूरी लाइट्स ऑन कर रखी है आपको दिखाने के लिए। देखो यहाँ सिटिंग एरिया हो गया, पूरा सोफा वगैरह अगर आप देखो, ये आपका डबल बेड हो गया, इस तरफ फर्स्ट क्लास आपका टीवी यहाँ पर दिया गया है, सब कुछ काम करता है बिकॉज हमने 24 घंटे का स्लॉट बुक किया। आप रूम वगैरह आप देखो भाई, मतलब सच में दिल खुश हो गया यहाँ रह के। मतलब कह रहा हूँ ना, स्टेशन के बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं, फर्स्ट क्लास आपको एसी दिया गया और एक्चुअली एसी की हवा आ रही है। यहाँ पर आपको वॉशरूम और दिखा दूँ, जब हमने कल देखो यहाँ गीज़र भी दिया गया है, कल जब हमने चेक इन किया था तो इन्होंने फर्स्ट क्लास क्लीन करके रूम हमको दिया था, बिकॉज कोई ऑलरेडी रह रहा था तो साफ़ सफाई की और फिर हमको इन्होंने चेक इन करवाया। पूरा आप देख लीजिए कॉस्टिंग बता दूँ, 24 घंटे का जो हमने स्लॉट लिया उसका कुछ अराउंड 1300 रुपये सब टैक्स वगैरह मिला के। बट इसकी ध्यान रखिए ऑनलाइन बुकिंग पहले कीजिएगा, बिकॉज ये रूम्स वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं रहते हैं। अगर आपको बुक करना है irctctourism.com की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर PNR नंबर डालिए और फर्स्ट क्लास आप बुकिंग कर सकते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा बिकॉज हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस एकदम ज़बरदस्त रहा। सोचिए 1300 रुपये में आपको रेलवे स्टेशन पर रूम मिल रहा है, मतलब आपको और क्या।